दोस्तों वेलकम टू ट्रिपुनित चैनल। और अभी हम हैं खारड़ा वाले हनुमान जी, जो कि नारनौल से अप्रोक्स 4 किलोमीटर है। और ये बहुत ही नारनौल का फेमस मंदिर है, हिल साइड मंदिर है। और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं मंगलवार और शनिवार को, और काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। बट मैंने अभी ट्राई किया कि जल्दी से मॉर्निंग में इसका कैप्चर करता हूँ। तो आप लोग जो भी नियर अबाउट हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर आ सकते हैं। और जो टूरिज़्म वाले हैं, जो बाहर घूमने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। लाइक अगर आप दिल्ली टू बीकानेर राजस्थान साइड जा रहे हैं, तो ये ऑन दी वे नारनौल, जस्ट 4 किलोमीटर लेफ्ट साइड में। जैसे ही हिल्स स्टार्ट होंगी, रघुनाथपुरा, इसको खालड़ा भी बोलते हैं और रघुनाथपुरा भी, तो रघुनाथपुरा की हिल्स स्टार्ट होंगी वैसे ही राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में ये मंदिर है पहाड़ के ऊपर, दूर से ही दिख जाता है रोड पर। और यहाँ पर होटल्स हैं, अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो इसके नियर अबाउट होटल्स भी, लाइक चांदनी बिडवे काफ़ी फेमस है, फॉरेनर्स भी यहाँ पे आके रुकते हैं, तो आप वहाँ पर खाना खा सकते हैं। और लोकल होटल्स भी हैं, आप उन पर भी ढाबे होटल इस तरह से खाना खा सकते हो। और ये रोड स्ट्रेट दिल्ली टू बीकानेर जाता है, तो वो लोग यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, अभी मैं हनुमान जी के मंदिर का व्यू करवाता हूँ। ये देखिए सामने हनुमान जी का मंदिर है, तो ये देखो चारों तरफ हिल है। और आप किसी भी मौसम में यहाँ आएँ, बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम होता है, बहुत ही साफ़ सुथरा। लोकल जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है यहाँ पे। अगर आप अपने बच्चों के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, फूड कोर्ट हैं बच्चों के लिए, ये खेलने के लिए बनाए हुए हैं। तो अभी स्टार्ट होगा, फिर अभी आप ट्यूज़डे को, मैं अभी 8:30 हुए हैं, तो मैं जल्दी आ गया, तो अभी लोग आना स्टार्ट होंगे। तो देखो पार्किंग की भी सुविधा है, बट अभी थोड़ा कम भीड़ है तो यहीं पे पार्किंग है, बट बाद में ये बाहर कर देते हैं। ये देखिए ये हट्स बनी है गर्मी के लिए, यहाँ पे लोग रुक सकते हैं। और यहाँ पर फायरिंग स्टेशन भी है। ये देखो फूड कोर्ट, कितना अच्छा फूड कोर्ट है यहाँ का। तो यहाँ पर मेले में आने वाले इस फूड कोर्ट में खाने का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर, और फायरिंग स्टेशन है ये हरियाणा का, तो यहाँ पे हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस वाले प्रैक्टिस करने आते हैं फायरिंग स्टेशन पे, तो जो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी हट्स बनी हुई हैं। और यहाँ पे काफ़ी कुछ है, एक बड़ा सा पार्क है मंदिर के साथ में, और ये हरियाणा फायरिंग स्टेशन है, देन हनुमान जी का मंदिर हो गया, और ये हिल व्यू है चारों तरफ। ये देखिए ये थाना यातायात ट्रैफिक पुलिस का थाना है नारनौल का, और इधर वैसे अलाउड नहीं है, तो मैं इधर नहीं जाऊंगा। यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पुलिस वाले ही अलाउड हैं, जो कि प्रैक्टिस करने आते हैं। इधर ये पार्क है बेसिकली, तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, स्मॉल आउटिंग कर सकते हैं। और जो अपना नियरेस्ट डोसी का पहाड़ है, वो भी इसके बहुत ही पास में। ये देखिए कितना प्यार है, ये हंस बतख घूम रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, और ये पार्क है जस्ट मंदिर के नीचे। यहाँ पे रैबिट भी हैं, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा जगह है ये घूमने के लिए। ऑस्ट्रिच, हेलो हेलो, इसको मारना मत भाई। ये देखो ऑस्ट्रिच, ये देखिए वाओ, ये पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फायरिंग स्टेशन की तरफ तो आई थिंक अलाउड नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ट्राई करता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए पुलिस वाले आए हुए हैं फायरिंग स्टेशन पे। अब हम इस पार्क के अंदर एंट्री करेंगे। Thank you.
वो देखो वहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, कितना प्यारा व्यू है। ये देखिए दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये लोग आते हैं यहाँ पे फायरिंग प्रैक्टिस करते हैं सामने। और ये पार्क एक और है, काफ़ी सुंदर पार्क। ये थोड़ा सा साइड का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर देन हम लास्ट में मंदिर में चलेंगे और फिर नारनौल का एरियल व्यू भी दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए बहुत सुंदर पार्क है। तो नारनौल के आसपास के लोग मॉर्निंग इवनिंग में यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है। 1-2 आवर्स यहाँ स्पेंड कीजिए अपनी फैमिली के साथ पिकनिक, एंड देन आप आगे जा सकते हैं। और जो बाहर से भी लोग आते हैं, धार्मिक लोग हैं, वो प्लीज़ आएँ और मंदिर में आकर आशीर्वाद लीजिए। बहुत ही सुंदर जगह है घूमने वालों के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, और ऑन दी वे है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही काफ़ी टाइम तक दूर चलना है या कुछ है, रोड से जस्ट 100 मीटर लेफ्ट साइड दिल्ली बीकानेर रोड से। अब मैं थोड़ा सा इसके पार्क के चारों तरफ घुमा रहा हूँ आपको, और सोच रहा था कि अगर वो फायरिंग प्रैक्टिस हो रही है तो उसका भी थोड़ा सा आपको वेव करवा देता। अब अगर आप देख पा रहे हो पीछे, ये प्रैक्टिस के लिए पुलिस वाले खड़े हैं और यहाँ पे फायरिंग करेंगे। और अभी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ से भी ऊपर से मैं आपको व्यू करवाता हूँ। और बहुत ही सुंदर ये अरावली हिल्स हैं। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आके ओनली यही जगह हैं देखने के लिए, मेरे हमारे लास्ट वीडियोस में भी आप देख सकते हो नारनौल के प्लेसेस के बारे में जो हमने डाले हुए हैं। लाइक अगर आप ढोसी का पहाड़ है वो आप वीडियो में देख सकते हो, और नारनौल के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो भी आप देख सकते हो। तो काफ़ी वीडियोस डिटेल में डले हुए हैं नियर अबाउट नारनौल के, तो आप प्लीज़ जाएं विज़िट करें। और जहाँ पे भी, बस एक रिक्वेस्ट है, ये देखें ये फायरिंग चल रही है, साउंड सुन पा रहे हैं तो आप, इन पेड़ों के पीछे फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो देखिए बहुत मिट्टी उड़ी हुई है, वो देखिए, ये देखिए अगर देख पा रहे हैं धूल मिट्टी तो मैं प्रैक्टिस। ये देखिए मंदिर का व्यू। और प्लीज़ आप अपने जो भी इंडिया की धरोहर हैं और या फिर आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जाते घूमने, तो प्लीज़ इन जगहों को साफ़ सुथरा बना के रखें, गंदगी ना फैलाएं, यही आपसे त्रिपुंडित रिक्वेस्ट करेगा। क्योंकि अगर हम इनको साफ़ सुथरा रखेंगे तभी, और इनको संभाल के रखेंगे तभी हम कुछ आगे वाले जनरेशन के लिए कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर है, आप देखोगे नारनौल के अंदर ही बहुत प्यारा व्यू है। और पूरा ना अगर मैं बात करूँ नारनौल के अंदर आप 1-2 डेज़ घूम सकते हैं, काफ़ी जगह हैं यहाँ पे नियर अबाउट। महेंद्रगढ़ में जैसे माधोगढ़ का फोर्ट है वहाँ जा सकते हो आप, और आप ऑन द वे हाफ़ डे ट्रिप में भी ये चीज़ें कवर कर सकते हो। ये देखिए हनुमान जी सामने, जय हनुमान जी। ये देखिए आप देख पा रहे हैं तो, ये देख पीछे, ये देखिए मैं आपको चारों तरफ का व्यू करवाता हूँ प्रॉपर। देखो बैठने के लिए जगह है। अब हम मंदिर की तरफ जाएंगे। ये देखिए बहुत ही सुंदर, ये 360 व्यू। अब हम बढ़ते हैं आगे। जय हनुमान जी महाराज। अब मंदिर में ऊपर चलेंगे और ऊपर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये भक्त लोग आए हुए हैं और दिन में काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है यहाँ पे। ये देखिए अब मैंने चप्पल पहन रखे हैं तो मैं उस साइड से आता हूँ। चप्पल पहन के मैं इधर नहीं आ सकता था, इसलिए
धार्मिक स्थल है तो स्लीपर्स में निकाल के साइड में जहाँ से एंट्रेंस है उधर से आऊँगा। मैं थोड़ा बैक साइड से जहाँ से एग्जिट है उधर आ गया था। ये देखो बच्चे ना रहे हैं। हेलो बेटा, हाँ ये देखो बच्चे घूम रहे हैं। बच्चे डर गए थे, पता नहीं कौन है। ये देखिए अब हम मंदिर के एंट्रेंस की तरफ जाएंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये मैंने आपको सारा इसका व्यू करवा दिया है पूरे एरिया का, और अभी मंदिर के ऊपर जाके वो भी आपको दिखा देते हैं कैसा कुछ है। ये देखो यहाँ पे फिर छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। मेन बालाजी का मंदिर है हनुमान जी का, और उसके बाद सारे भगवान के मंदिर बनाए हुए हैं। जय बजरंग बली, जय माता दी। ये देखिए पार्क बहुत अच्छा है, सेट्स लगी हुई है, गर्मी सर्दी बारिश कभी भी आप बैठो इनमें, वेल मेंटेन्ड प्रॉपर। अब हम एंट्री करेंगे मंदिर में, हाथ धो लेते हैं यहाँ पे। अब अपने स्लीपर्स निकालिए। ये इधर हम आएंगे बाद में, अभी हम मंदिर के लिए। जय हो बालाजी महाराज। ये देखिए जय हो बालाजी महाराज। श्री हनुमान, ये देखो कितने ग्रीन पेड़ पौधे लगा दिए, और बारिश में इधर साइड में पानी भी भर जाता है, तो उस टाइम में अगर आप आते हो तो बहुत सुंदर नज़ारा होता है। और अप्रोक्स हम यहाँ पे होंगी 500 सीढ़ियाँ आई थिंक, इतनी चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा, बट कोई टफ नहीं है। ये देखिए अब हम फाइनली पहुंच गए मंदिर में। ये लास्ट कुछ 5-6 सीढ़ियाँ। जय बालाजी महाराज, जय हो। ये दस लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। जय बालाजी महाराज। अब हम चारों तरफ एक परिक्रमा करेंगे। ये देखिए वो और फायरिंग प्रैक्टिस वो चल रही है।
अब हम चारों तरफ ही परिक्रमा करते हैं। जय बालाजी। ये बैक साइड से बालाजी बहुत ही विशाल काय बालाजी की मूर्ति ये देखिए, चारों तरफ अरावली हिल्स, कितना सुंदर। तो भक्तजन हैं, घूमने फिरने वाले हैं, प्लीज़ आएँ, भगवान जी के आशीर्वाद लीजिए। ये देखिए अब एरियल व्यू देखिए आप, ये देखिए घोंसले बना रखे हैं। ये देखिए 360 व्यू में दिखा रहा हूँ आपको। ये पार्क नीचे और पुलिस वाले प्रैक्टिस करते हुए, और पीछे वो अगर आप पहाड़ देख रहे हैं वो डोसी का पहाड़ है। होते हैं सुनाते हैं। ये देखिए जय हो बालाजी महाराज, सब हमने दर्शन कर लिए हैं। जय हो। ये देखिए नारनौल, यहाँ से नारनौल एरियल डिस्टेंस है मुश्किल से 1 किलोमीटर बाय रोड, 3 to 4 किलोमीटर बस टाइम से नारनौल के। और अभी हम उतरते हुए स्टेज से बैक, ये देखिए बहुत ही सुंदर। बहुत ही साफ सुथरा व्यू। ये शनि महाराज का मंदिर है। हाँ भैया, ट्रिप पंडित वे लोग हैं जी। ये देखो बाबा के फाइनल दर्शन, अब हम वापस जा रहे हैं। और इधर से हमने एंट्री नहीं की थी, हम इधर से एग्जिट कर रहे हैं, बट एंट्री पॉइंट यही है। ये देखो कितना अच्छा बर्गर का पेड़ लगा हुआ है, इधर से एंट्री होती है, एंट्री प्लस एग्जिट सेम है, बट हम उधर पार्क की तरफ चले गए थे नॉर्मली जब घूमने आते हैं। तो ये देखिए हनुमान जी कितने सुंदर आसमान को छूते हुए खड़े हुए हैं हनुमान जी। ये देखिए अब हम चलते हैं। और प्लीज़ आप जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। ये देखिए
अभी हम एग्जिट करते हैं यहाँ से। ये पार्किंग एरिया है, ये देखो बरगद के पेड़ लगा रहे हैं, कितने कितना सुंदर। ये देखिए, ये देखिए। हाँ हाँ, हेलो, हाउ आर यू, योर गुड नेम? आयुष। हेलो बेटा, हेलो, हाउ आर यू? अपना चैनल है ट्रिप पंडित, ठीक है, उसमें आप मिलोगे, TRIPPUNDIT। हाँ ठीक है। कितना लोग आ रहे हैं, और अभी स्टार्ट हुआ है और धीरे धीरे लोग भरेंगे। देखिए कितने भक्त लोग आ रहे हैं, ये देखिए, काफ़ी फेमस है ये जगह, बहुत लोग आते हैं। मंगल जब भी आप अगर आना चाहते हैं, आपको भीड़ भाड़ पसंद है, मेला देखना है, अपने कल्चर को बढ़ाना है आगे, तो प्लीज़ आइए और मेले के आनंद लीजिए। बहुत ही अच्छा है, मंगलवार और शनिवार को आएंगे, बहुत ही सुंदर। काफ़ी लोग आते हैं, अभी तो मॉर्निंग में, अभी आप पूछना ही नहीं है मुझे, और अभी फुल डे तक ये चलेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा, और काफ़ी हाईली सिक्योर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टाइम आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जय हनुमान जी महाराज।